इंडियन ऑयल को शिफ्ट करने को लेकर हंगामा, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। जी हां, छावनी के अम्बाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित इंडियन ऑयल डिपो में मंगलवार को अम्बाला टैंकर यूनियन द्वारा अम्बाला से डिपो बदलने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अम्बाला टैंकर यूनियन के प्रधान विनोद कुमार ने बताया कि जीटी रोड पर इंडियन ऑयल डिपो पिछले 40 सालों से है, यहां पर आज तक कोई घटना भी घटित नहीं हुई, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज के दबाव में आकर इंडियन ऑयल के अधिकारी उन्हें काम नहीं दे रहे हैं। यहां रोजाना 1000 के करीब तेल के टैंकर भरे जाते हैं, जो कि हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा सहित लेह लद्दाख तक तेल की सप्लाई हो रही है, लेकिन पिछले 4 महीनों से इंडियन ऑयल में अपने टैंकर लेकर आने वाले ड्राइवर व मालिक सुबह से शाम खाली खड़े रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि वह और उनके परिवार उनके मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। आजाद टीवी न्यूज के लिए अम्बाला से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ हरजीत सिंह की रिपोर्ट। हमारी ये डिमांड ये है कि ये हमारा IOC का डिपो जो कि दिल्ली रोड के ऊपर है, वो यहीं पर रहना चाहिए, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। जो हमारा रोजगार है, सब रोजगार है, वो सब कुछ यहीं पर रहना चाहिए। हमारे मंत्री जी हमारे ऑफिसरों को भी धमकाते हैं, IOC के ऑफिसरों को धमकाते हैं कि इसे जल्दी से जल्दी बंद करो। मैं उससे पूछता हूँ कि एक मंत्री रोजगार लेके आता है और ये कैसे मंत्री है जो रोजगार यहाँ से लग जाएंगे रफेल के लिए, तेल के लिए 5 घंटे आपको जलंधर से लग जाएंगे। तो आपको ये डिपो पहले चाहिए जो 35 मिनट में, कल को चाइना अगर जो हमला कर देता है, पाकिस्तान हमला कर देता है, तो फिर वो रफेल किस लिए बुलाए गए हैं? इसी डिपो से ही तेल पूरा होता है। अभी उलावा में हमला हुआ था, यहीं से ATF तुरंत लेके गए, अम्बाले की गाड़ियां सब में ज्यादा गई हैं। हमारी यही बेनती है नील विज जी, ये डिपो यहीं रहे। इन हजारों लोग यहाँ पर जुड़े हुए डिपो के साथ, सुबह आते हैं, बहुत 40 साल से डिपो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई घटना नहीं हुई, कोई मरिया नहीं, कोई गड़े नहीं, यहाँ पर बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हम सभी लोग।